हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.2 क्लास 9th और ये पार्ट 3 है। ये हमारा एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट 3 है और ये लास्ट पार्ट है, ठीक है ना। तो इस पार्ट में जो है वो हमारी एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा हुआ है, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल। आपको जो है वो जीरो फाइंड करना है पॉलीनोमियल का, ठीक है ना। तो जीरो हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, ठीक है ना। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 हमें कहा होगा, ठीक है ना, ये हमें गिवन है। तो जीरो फाइंड करने के लिए आपने करना क्या होता है बेटा, जीरो फाइंड करने के लिए आपने पी एक्स को जो भी आपको वैल्यू गिवन है उसको जीरो के इक्वल पुट करना। उसके जीरो के इक्वल पुट करने का मतलब आपको कि पी एक्स की वैल्यू है एक्स प्लस 5, उसे आपने जीरो के इक्वल पुट कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 प्लस का 5 है। दूसरी साइड जाके देखो, लेफ्ट में प्लस का है, राइट में जाके माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 5 का क्या माइनस 5। तो आप लिख सकते हो कि 0 इज इक्वल टू माइनस 5, यही आपका क्या है क्वेश्चन का आंसर। बस आपने इसे 0 के इक्वल पुट करना है और x की जो वैल्यू आएगी वही आपका 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 5। तो आप कैसे करोगे, देखो पी एक्स को किसके इक्वल पुट कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दो, तो क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी एक्स नेगेटिव है, दूसरी साइड में जाके लेफ्ट साइड राइट साइड में जाके पॉजिटिव, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो आप लिख दोगे 0 इज इक्वल टू 5 आपका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। यहाँ पर पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 5, तो आप 0 के इक्वल पुट कर दोगे, पी एक्स इज इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू 0, 5 जो आप देखो लेफ्ट में पॉजिटिव का है, राइट में जाके नेगेटिव, तो 2x इज इक्वल टू में माइनस का 5, 0 माइनस 5 माइनस 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ कर रहा हूँ मैं, x इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 2, तो 0 इज इक्वल टू आप लिख देंगे 0 इज इक्वल टू माइनस 5 बाय 2 आपका आंसर, ठीक है, यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 4 नंबर पार्ट, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x माइनस 2, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, 2 नेगेटिव का राइट में जाके पॉजिटिव, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2/3, तो इट मीन 0 इज इक्वल टू 2/3, यह हमारा क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 0/3, तो x की वैल्यू 0, क्योंकि 0 के डिवाइड में कुछ भी हो वो भी 0 होता है, और 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी आ जाए तो भी आंसर 0, ठीक है ना। तो हमारा 0 क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, 0 इज इक्वल टू 0। 6th नंबर क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स, तो पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, ए उसके डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0, यही आपके क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका लास्ट करते हैं हम, और ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन जो गिवन है लास्ट 5-7 नंबर क्वेश्चन, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, तो सी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस डी, तो सी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी, ठीक है ना। 0 में से कुछ भी माइनस करोगे तो वही आ जाएगा, 0 माइनस डी यानी कि माइनस डी, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन सी डिवाइड में, तो 0 इज इक्वल टू आ जाएगा
माइनस डी अपॉन सी, यही आपके क्वेश्चन का आंसर। तो ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है ना। पार्ट थ्री थी ये, एक्सरसाइज 2.2 का पार्ट थ्री था, ठीक है ना। तो ये एक्सरसाइज 2.2 हमारी कंप्लीट। तो आई होप आपको क्लियर होगी। ओके, कोई भी अगर आपको डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे क्लियर कीजिएगा बेटा कमेंट बॉक्स में, जो है वो आपने कमेंट करना है और मुझसे पूछना है, ठीक है ना। तो आपको उसका रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।